कित की थैली पतली है। अच्छा, कहा सर्जरी में दिखाया? हाँ, पहले हम होंगे। कित की थैली पतली है। अच्छा, कहा सर्जरी में दिखाया? हाँ। जेल में एक्चुअल में हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में दो बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारे एक रूटीन प्रोसेस है, वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर है वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है, जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास एआरटी सेंटर से। जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। क्या इनको स्पेशलिटी दी जा रही है? ट्रीटमेंट एआरटी के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो नेको के गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है उनको, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाता है। इसके वास्ते जेल में और भी टेस्टिंग होंगी? हाँ, जेल में जो है जिसको भी उनको वो लगता है तो उसको स्क्रीनिंग की जाती है कैदियों की। एक रूटीन प्रोसेस है, ये रूटीन में स्क्रीनिंग होती है, यहाँ से टीम तो जाती जाती है और पूरा स्क्रीनिंग की जाती है वहाँ पे।